हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? अच्छे ही होंगे। हमारे पास फ्रिज रिपेयर के लिए आया था। उसका कंप्रेसर ऑन था, लाइट वगैरह ऑन थी, बाकी कूलिंग नहीं कर रहा था। बाद में मैंने चेक किया तो इसमें गैस चोक हो रही थी। तो इसका हमने फिल्टर वगैरह कट किया था। कट कर कर इसमें हमने ये अपना कंडेंसर इसका फ्लश किया, बहुत अच्छी तरह से फ्लश किया मैंने। फिल्टर को वेल्डिंग किया। इसमें हल्की सी एयर के लिए मैंने कैपिलरी लगा दी थी, और फिर कैपलरी फ्रीज़र की जो कैपलरी थी वो भी ज्वाइन कर दी है एंटी चोक पिलाकर। अब इसका फ्रीज़र चोक हो रहा था, फ्रीज़र में आयल जमा हुआ, तो फ्रीज़र का जो वेल्डिंग था वो मैंने डिसोल्डर किया। अब उसे फ्लश कर रहा हूँ। अच्छे से फ्लश करना है इसको, कि आयल वगैरह जितना भी आयल था सारा निकालना है फ्रीज़र का। आयल के कारण ही चोक हो रहा था। अच्छे से एकदम निकालना है इसका आयल। पूरा आयल निकालने के बाद इसे हमें फिट करना है, इस तरह फिट करना है। ये कंडेंसर है, इसमें मैंने यहाँ से जॉइंट करा है अच्छे से। इसे फिल्टर को अच्छे से जॉइंट करना है ताकि लीकेज का डर ना हो फ्लश कर कर। और ये कैपलरी है, कैपलरी में यहाँ पर एंटी चोक पिलाकर। ये NRV है, यहाँ से गैस जाएगी। ये सब हमने सोल्डर कर दिया है फ्रीज़र वगैरह। अब वैक्यूम पर लगाएंगे हम इसे। ये नली से हमने वैक्यूम पे लगा दिया है। अच्छी तरह वैक्यूम मीटर भी बताऊंगा आपको मैं। मीटर में पूरा जब तक -0 पे तक नहीं चले जाए जब तक वैक्यूम होने देना है। सेल्फ वैक्यूम हो रहा है इसमें। इसमें गैस ये 0 से माइनस में चले गया है, वैक्यूम हो रहा है। इसमें गैस भी डलेगी, गैस भी डालते हुए मैं दिखाऊँगा आपको। अच्छे से एक बार चेक कीजिए। वैक्यूम कम से कम 15 से 20 मिनट वैक्यूम करना है हमें, सेल्फ वैक्यूम। 134 गैस डल रही है इसमें। अब वैक्यूम पूरी तरह हो गया है, अब मैं गैस डालूँगा इसमें। गैस भी लगभग मैंने इसमें कर दी है, 10 पॉइंट चढ़ा दिया है। 134 का प्रेशर वैसे रहता है, 10 से 12 प्रेशर रहना चाहिए R134 का। मैंने कूलिंग भी चेक की है आगे, कूलिंग भी अच्छी कर रहा है। अब ये गैस लगभग हमारी पूरी हो गई है फ्रेंड। बस यही कूलिंग हो गई यहाँ पर, बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है, बर्फ़ वगैरह भी जम चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।